अवैध बालू लदे दो टर्बो ट्रक को बुंडू पुलिस ने किया जब्त। बुंडू पुलिस ने अवैध बालू से लदे दो टर्बो ट्रक को जब्त किया है। थाना प्रभारी पंकज भूषण ने बताया कि सूचना थी कि कांची नदी बुढ़ाडी घाट से अवैध ढंग से बालू का परिचालन किया जा रहा है। सूचना पर बुंडू CO राजेश डुगडुग के नेतृत्व में बुढ़ाडी में छापामारी की गई। थाना प्रभारी पंकज भूषण ने बताया कि पुलिस को देखते ही ट्रकों के चालक ट्रक छोड़कर फरार हो गए। उन्होंने कहा कि बालू लदे दोनों ट्रकों को जब्त कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। बुंडू से अपने सहयोगी जितिन सार के साथ पल्लवी कौर की रिपोर्ट। थी कि अवैध रूप से बुढ़ाडी नदी के किनारे कांची नदी किनारे से निकाल करके परिवहन किया जा रहा है, चोरी की जा रही है। तो CO साहब से मैंने संपर्क किया और CO साहब के नेतृत्व में एक बालू के विरुद्ध में छापामारी तो टीम गठन किया गया, जिसका नेतृत्व अंचलाधिकारी बुंडू राजेश डुंगडुंग कर रहे थे, जिसमें उस टीम में मैं भी शामिल था। और 12:10 पर जब हेट बुराडी स्थित पहुंचे, नदी किनारे पहुंचे, तो देखे कि दो एक टर्बो जो है जिस पर अवैध रूप से बालू लगा था वो बुराडी की तरफ आ रहा था। पुलिस पार्टी एवं छापामारी दल को देख करके दोनों ड्राइवर जो है भागने में सफल रहा। तो हम लोगों के द्वारा दोनों वाहन को जब्त की गई है और विधिवत जब्ती सूची बना करके अंचलाधिकारी महोदय के बयान पर प्राथमिकी दर्ज की।